अस्सलाम वालेकुम नाजीन, आप देख रहे हो जेके रिवॉल्यूशन और मैं हूं आपका मेजबान जावेद खान। नाजीन, अभी की बड़ी खबर से आपको आगाह करें, जम्मू कश्मीर की बात करें तो कोरोना केसेस जो हैं काफी लगातार बढ़ रहे थे और हालांकि इसमें कहीं सारी मौतें भी हो चुकी हैं। इसको मद्देनजर रखते हुए एलजी ने ये ऑर्डर निकाला है हाल ही में, जिनमें ये लिखा गया है कि 24 तारीख 8 बजे से लेके 26 तारीख सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू नाफिज किया जाएगा जम्मू एंड कश्मीर में। देखा जाए तो उसमें सिर्फ ये लिखा है कि खाली एसेंशियल सर्विस जो है उसे अलाउ किया जाएगा, बाकी मार्केट की बात करें या किसी दुकान शॉप या फिर किराने दुकान की बात करें तो वो भी बंद रहेगा इस दौरान। और ये भी जारी किया है ऑर्डर की खाली एसेंशियल सर्विस जो है उन्हें ही चलने की इजाजत होगी, बाकी उसके बावजूद जो है किसी को चलने की इजाजत नहीं होगी। और इसके दौरान जो यूनिवर्सिटीज हैं, बाकी स्टाफ हैं, इंस्टीट्यूशन हैं, उन्हें भी ये कहा गया है कि आपको इस पे अमल करना होगा। और इसमें यह भी लिखा है कि खाली एसेंशियल सर्विस जो है उसे ही खाली ऑर्डर होगा हरकत करने का। बाकी केसेस जो है वो लगातार बढ़ रहे हैं, हालांकि कोविड की ये दूसरी लहर है, बहुत ही तेज लहर है। इसमें जो है काफी कोरोना केसेस जो आए हैं और पूरे हिंदुस्तान को इसने लपेट में ले लिया है। इसके बावजूद जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में भी केसेस का इजाफा हो रहा था और दिन ब दिन केसेस जो है वो बढ़ते जाते थे। इसको मद्देनजर रखते हुए एलजी ने हाल ही में अपने ट्विटर पर भी ये ट्वीट किया कि 24 तारीख शाम 6 बजे से लेकर 26 तारीख तक जो है कर्फ्यू नाफिज किया जाएगा जम्मू कश्मीर में और मार्केट सारे जो है वो भी बंद किए जाएंगे। बात करें प्राइवेट गाड़ियों की, बात करें कमर्शियल गाड़ियों की, किसी को भी चलने की इजाजत नहीं होगी, सिर्फ एसेंशियल सर्विस जो है वो हरकत कर सकती है। एसेंशियल सर्विस को, गाड़ियों को या फिर एसेंशियल स्टाफ कोई भी है उसे ही जाने की इजाजत होगी। और बाकी मार्केट की बात करें, मार्केट भी सारा बंद रहेगा। एक बड़ा फैसला और अचानक सा फैसला मैं कहूंगा लिया गया है गवर्नमेंट के थ्रू, जिनमें हाल ही में एक फैसला आया है जिसमें ये लिखा गया है कि जो है कर्फ्यू रहेगा 24 तारीख 8 बजे से लेकर सुबह 24 तारीख सुबह 6 बजे तक, जिनमें खाली एसेंशियल सर्विस जो है वो चल सकती हैं, बाकी मार्केट जो है वो सारा बंद रहेगा और लोगों को चलने की इजाजत बिल्कुल भी नहीं होगी। तो आप आगे भी देखते रहिए जेके रेवोल्यूशन, कैमरामैन बुरहानुद्दीन मलिक के साथ।